देश के कई हिस्सों में चुनावी शोर में एक अहम समस्या भी दब कर रह गई। इन दिनों कई राज्यों में धड़ल्ले से खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिसे लेकर संबंधित राज्यों के साथ केंद्र की सरकारें खामोश हैं। जबकि इस मामले में सैटेलाइट के जरिए निगरानी करने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भी साइलेंट मोड पर है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली से लगते हुए राज्यों में पराली जलाए जाने से कई बार विकट स्थिति बन चुकी है। पराली के धुएं की वजह से आसमान में स्मॉग के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, साथ ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे लेकर NGT के निर्देश पर कई मरतबा राज्य सरकारों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। हालांकि इस बार संयोग से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सरकारें भी पराली जलाने की गंभीर समस्या की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। हालांकि आम लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी सरकारें इस जानलेवा समस्या को नजरअंदाज कर रही हैं। यहां काबिले जिक्र है कि पिछली बार राजधानी दिल्ली में पराली से बने स्मॉग से जनजीवन ठप हो गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस ज्वलंत समस्या पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को भी सलाह दी थी कि पराली जलाने वाले किसानों को MSP नहीं दी जानी चाहिए। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार आप भी रुक करें। देश के कई हिस्सों में चुनावी शोर में एक अहम समस्या भी दब कर रह गई। इन दिनों कई राज्यों में धड़ल्ले से खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिसे लेकर संबंधित राज्यों के साथ केंद्र की सरकारें खामोश हैं। जबकि इस मामले में सैटेलाइट के जरिए निगरानी करने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भी साइलेंट मोड पर है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली से लगते हुए राज्यों में पराली जलाए जाने से कई बार विकट स्थिति बन चुकी है। पराली के धुएं की वजह से आसमान में स्मॉग के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, साथ ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे लेकर NGT के निर्देश पर कई मरतबा राज्य सरकारों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। हालांकि इस बार संयोग से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सरकारें भी पराली जलाने की गंभीर समस्या की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। हालांकि आम लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी सरकारें इस जानलेवा समस्या को नजरअंदाज कर रही हैं। यहां काबिले जिक्र है कि पिछली बार राजधानी दिल्ली में पराली से बने स्मॉग से जनजीवन ठप हो गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस ज्वलंत समस्या पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को भी सलाह दी थी कि पराली जलाने वाले किसानों को MSP भी नहीं दी जानी चाहिए। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, एक बार आप भी रुक करें।